नमस्कार दोस्तों, इस प्रोग्राम में बात करने जा रहे हैं छोटे बच्चों के विषय में। जैसे छोटे बच्चों को पॉटी नहीं आती, लैट्रिन नहीं आती, कब्जियत बन जाती है, तो ऐसी दशा में क्या करना चाहिए? क्या होता है, कभी कभी बच्चा पैदा होता है, 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन, 8 दिन का हो जाता है और उसको पॉटी करने में दिक्कत आती है, तो डॉक्टर ऐसी स्थिति में दवा देते नहीं हैं। वो कहते हैं छोटा बच्चा है, हो सकता है दिन में 10 बार करे या 10 दिन में 1 बार करे, अभी चलता है। अभी क्या है, बच्चे को लैट्रिन नहीं होती तो उसे दिक्कत होती है, पेट में गैस हो जाती है, रोता है, चिल्लाता है, खुश नहीं रहता है। तो आज हम एक दवा बताने जा रहे हैं जो पैदा हुए बच्चे से लेकर के 10-11 साल तक के बच्चों को आप आसानी से दवा दे सकते हैं। अगर वो कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत है, उसको कब्जियत है, उसको लैट्रिन नहीं आई है, तो ये दवा दे देंगे तो वो लैट्रिन कर देगा। ये जो है पैदा हुए से लेकर 2-4 साल, 6 साल, 8 साल, 10 साल, 11 साल, 12 साल तक के बच्चों को चलेगी दवा। तो इस दवा का नाम है ब्रानिया 30 में लाना है आपको, ब्रानिया 30 और एलुमिना 30। ये दो दवा आप एक एक औंस में लेके आएँ और घर में हमेशा रखें, कोई एक्सपायरी नहीं होगी। छोटे बच्चों का मामला है, 30 पोटेंसी ही चलती है कब्जियत के मामले में, तो ब्रानिया 30 और एलुमिना 30 लेकर के आएँ। और बहुत छोटा बच्चा है तो एक एक बूंद दोनों दवा 1 चम्मच पानी मिला पिला दें, 1 या 2 बार पिला दें आधे आधे घंटे के अंतर से, तो उसकी पॉटी आ जाएगी। और बड़ा बच्चा है तो 2-2 बूंद दोनों दवा मिला दें, 1 चम्मच पानी शीशे गिलास में लें और पिला दें, फिर आधे घंटे के अंतर से दोबारा भी दे सकते हैं, और 2-3 बार देने से उसकी पॉटी आ जाएगी, उसका प्रेशर बन जाएगा और पेट साफ भी हो जाएगा। तो हमने कहा ये बता दें क्योंकि ये एक परेशानी वाली बात है, छोटे बच्चों के साथ अक्सर ऐसा हो जाता है, तो हमने कहा ये दवा रहेगी तो ये प्रॉब्लम नहीं होने पाएगी, तो इस बात को शेयर कर दिया जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।